अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए यहाँ पर मैंने कपास कॉटन यान लिया है जो आपको yespapahandmade.com ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। नीडल ली है 0 नंबर 1.75 mm की। आप इस तरीके के थ्रेड के साथ में 2 mm तक की नीडल यूज़ कर सकते हैं और सेम डिज़ाइन आप किसी भी थ्रेड और किसी भी नीडल के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले आपने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। नीडल की निप हम अपनी तरफ रखते हुए ऐसे राउंड लेंगे और स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद हमें चैन लेनी है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैन लेंगे हम और फर्स्ट चैन के गैप में क्लस्टर स्टिच बनाएंगे जो हम 3 डबल क्रोशियो को ज्वाइंट करके बनाते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। देन फर्स्ट चैन के गैप में हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है। कैसे बनाते हैं एक बार आप ध्यान से देख लो। डबल क्रोशियो के लिए जैसे हम धागा लेते हुए गैप में जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जाना है। फिर 2 धागों में से हम बाहर आएंगे और 2 धागों को हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। अगेन नीडल पर धागा फोल्ड करके सेम गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे और 3 धागों को यहाँ पर होल्ड करेंगे। अगेन नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे और 4 धागों को हम ऐसे ही होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमें होल्ड करना है, नीडल पर धागा फोल्ड करना है और 4 धागों में से एक साथ में बाहर आना है। इसे कहते हैं क्लस्टर स्टिच। ये बन गया। अब हम लेंगे 3 चैन, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेकर यहाँ पर हमने सेम गैप में सिंगल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। दैट्स इट। अब हम लेंगे 1 चैन, सेम गैप में हमने सिंगल क्रोशियो बनाया, 1 चैन ले ली, टर्न ले लेंगे। ये जो 3 चैन का गैप है इसमें हम बनाएंगे 3 टाइम्स सिंगल क्रोशियो, 1, 2, 3 इस तरीके से। फिर हम लेंगे 3 चैन और ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशियो है इसके 2 धागों में नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और फिर नीडल पर जो 2 धागे हैं धागा लेकर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। अगेन सेम गैप में 3 टाइम्स सिंगल क्रोशियो बना लेंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से। अब हम लेंगे 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन लेकर ये जो 3 चैन का इस तरफ वाला जो गैप है इसमें हम बनाएंगे क्लस्टर स्टिच जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। अब इस गैप में हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है। पहले हम 2 धागों में से बाहर आएंगे, 2 धागों को ऐसे ही रखेंगे, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे और 3 धागों को वैसे ही रखेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके सेम गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 4 धागों में से हमें बाहर आना है, इसलिए हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ ऐसे और 4 धागों में से बाहर आ जाएंगे। फिर हम लेंगे 3 चैन और सेम गैप में सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। फिर हम लेंगे 1 चैन, टर्न ले लेंगे और इस गैप में पहले हम 3 टाइम्स सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। फिर हम लेंगे 3 चैन और जो ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशियो है इसके 2 धागों में नीडल डालकर धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। अगेन सेम गैप में 3 टाइम्स सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से। फिर लेंगे हम 3 चैन और इस गैप में 3 टाइम्स जॉइंट में डबल क्रोशियो जिसको क्लस्टर स्टिच कहते हैं वो बना लेंगे। जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल ऐसे ही आप बनाते जाओगे। अब यहाँ होल्ड करके 4 धागों में से बाहर आ जाएंगे। फिर लेंगे 3 चैन
सेम गैप में सिंगल क्रोशो बनाएंगे, वन चैन लेकर टर्न ले लेंगे और इस गैप में पहले थ्री टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे, वन टू थ्री। फिर हम लेंगे थ्री चैन, फिर लास्ट वाले सिंगल क्रोशो में इस तरीके से सिंगल क्रोशो बना लेंगे और फिर सेम गैप में थ्री टाइम्स सिंगल क्रोशो और बना लेंगे। जैसे इतनी डिज़ाइन आपकी कंप्लीट होगी, आपने थ्री चैन लेकर आगे बढ़ना है, वन टू थ्री, और इस गैप में क्लस्टर स्टिच बनानी है। इस तरीके से और फिर इन सब धागों में से हमें बाहर आना है। फिर हम लेंगे थ्री चैन और सेम गैप में सिंगल क्रोशो बनाएंगे, फिर वन चैन लेंगे और टर्न लेकर इस गैप में थ्री टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। फिर हम लेंगे थ्री चैन और सिंगल क्रोशो बना लेंगे यहाँ पर, इट मीन्स अटैच करेंगे ताकि पिकॉट हमारा बन जाए, और फिर सेम गैप में थ्री टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। फिर हम थ्री चैन लेंगे और इस वाले गैप में क्लस्टर स्टिच बना लेंगे। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगती है बनने के बाद ये। आप इसे दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, साड़ी की बॉर्डर पर, बच्चों के ड्रेसेस पर लगा सकते हैं, पर्स की बॉर्डर पर लगा सकते हैं। फिर थ्री चैन लेकर सेम गैप में सिंगल क्रोशो बनाएंगे, फिर वन चैन लेंगे और इस गैप में पहले थ्री टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे, वन टू थ्री। फिर लेंगे हम वन टू थ्री चैन और इसमें पिकॉट, देन सेम गैप में अगेन थ्री टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे। मेरा एक और चैनल है अदबिना बुटीक, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें अदबिना बुटीक तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको क्रोशो, मैक्रेम, निटिंग के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। देन फिर थ्री चैन लेंगे और इस चैन में क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, फिर थ्री चैन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशो बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन यहाँ तक समझ में आई है। ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है, जितनी आपको इसकी लेंथ बनानी है आप इसे ऐसे ही बनाते जाओगे। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ, थोड़ी और लेंथ हम कंप्लीट करके इसका लुक बताते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी इतनी लेंथ बनाई हूँ और आप इसे ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करोगे, जितनी आपको लेंथ बनानी है आप इसे ऐसे ही बनाते जाओगे। और इसे स्टिच करने का तरीका ये है कि आप इसे टेलर से देकर स्टिच करवा सकते हैं, डायरेक्टली सेंटर से आप एक सिलाई लगाकर कर सकते हैं स्टिच, और फिर ये जो पिकॉट्स हमने बनाए वहाँ पर आपने एक एक टाका लगा लेना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और एंड कैसे करना है, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो जैसे आपने एक मीटर दो मीटर जितनी आपको लेंथ चाहिए वैसी आप बना लोगे, तो एंड करते वक्त आपने सिर्फ टू चैन एक्स्ट्रा लेनी है, धागा कट करना है और फिर लॉक करके बैक साइड में धागे को अंदर की तरफ ले लेना है। जैसे अब यहाँ पर आपने लॉक करके धागा कट कर लिया तो बैक साइड से आप इस धागे को अंदर की तरफ ले लोगे, डेड सीट, तो ये फ्रंट से दिखेगा भी नहीं। और आपने ऐसे ही फ्रंट वाला पार्ट भी और लास्ट वाला पार्ट भी ऐसे ही एंड करना है। मैं इसे और कंटिन्यू बनाऊँगी और इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।